तो आपको बताता हूँ मेरा कैसा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस रहा है टर्मिनल 3 पे। दीपशिका बाय बाय। सो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। और आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से टोक्यो जापान। और ये रहा मेरा बैग और मैं शिवाजी स्टेडियम खड़ा हूँ दिल्ली वाले मेट्रो एयरपोर्ट वाले मेट्रो पकड़ने के लिए, वेट कर रहा हूँ उसके लिए। और सबसे बड़ी बात ये थी, जो मेरा पासपोर्ट था वो दीपशिका के पास था। दीपशिका मेरी फ्रेंड है, दिल्ली की रहने वाली है, तो वही मेरा बीएफएससी पासपोर्ट पकड़ के लाई थी जब मैंने अपना वीज़ा का पोस्ट अपडेट करा था, तो उसने मेरा पासपोर्ट पकड़ा था। तो दीपशिका हेलो। तो मैं शर्मा रही है ना, एक्चुअली फर्स्ट टाइम आ रही है व्लॉग में मेरे को। दीपशिका तो दीपशिका शर्मा रही है भाइयों। तो बाकी स्टे ट्यून्ड विद दिस व्लॉग। तो आपको बताता हूँ मेरा कैसा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस रहता है, कैसा दिल्ली में रहता है, कैसा टोक्यो में रहता है, तो आप लोगों को सारा शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 पे। दीपशिका बाय बाय। दीपशिका फिर तो रोएगी है ना यार, बेचारी रोने लग गई यार, देख लो। चल कोई नहीं यार, रो मैं ठीक है। तो फाइनली एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं। और मैं आप सब लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो आप ये पीछे मेरे गेट देख रहे हैं ना, जहाँ पे हम एयरपोर्ट में एंटर होते हैं, तो प्लीज़ अपना आईडी वगैरह ना जो पहले ही निकाल के रखा करें, बाद में यार यहाँ पे मैंने देखा लाइनों में इतना ज़्यादा रश लग रहा है और ऊपर से लोग आईडी दिखा रहे हैं अपनी, आईडी बाद में पर्स में से निकालने लग रहे हैं, कोई अपने बैग में खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो प्लीज़ अपनी आईडी साथ में कैरी करके रखा करें जब आप लाइन में इसमें लगते हैं। तो अब देखते हैं हमारी फ़्लाइट कहाँ से जाएगी। मेरी एयर इंडिया है यहाँ से हांगकांग और हांगकांग से टोक्यो, 2 घंटे का मेरे ले ओवर है हांगकांग में। तो देखता हूँ कहाँ है मेरी फ्लाइट। बोर्डिंग पास मिल गया है, तो देखते हैं। लेकिन इन्होंने यार मुझे अपना दिल्ली से हांगकांग तक का दिया है बोर्डिंग पास, लेकिन जो मेरा लगेज है मुझे वो सीधे टोक्यो में मिलेगा नरिता पहुँच के एयरपोर्ट पर। और जो आगे वाला बोर्डिंग पास है ये कह रहे हैं हांगकांग एयरपोर्ट से आप कलेक्ट कर लेना। चलो देखते हैं आगे क्या रहता है क्या नहीं, अब देखते हैं इमिग्रेशन वाले क्या कहते हैं। और ज़्यादा इनका नॉलेज नहीं थी एयर इंडिया वालों का यार, काउंटर पे पूछ रहे थे हांगकांग का प्री अरावल कार्ड ये आपके पास वो, मैंने कहा मैम 2 घंटे का तो ले ओवर है मेरा वहाँ पे, मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है फिर, मतलब फालतू में है तो इसलिए घबराना वराना नहीं चाहिए, मतलब सीधे बोलो हाँ भाई ये है या वो है ना, आप घबरा हो जाते हैं लोग, जैसे मेरे को बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी। फाइनली इमिग्रेशन हो चुका है और इमिग्रेशन पे जस्ट उन्होंने यही पूछा मेरे से लाइक आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा जापान जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो कह रहे नेक्स्ट बोर्डिंग पास कहाँ है, तो मैंने कहा वहीं पर जाके मिलेगा वो। और उसके अलावा कह रहे आप जाती रहते हो ना बाहर घूमने के लिए, मैं जी सर एक्चुअली मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, तो कह रहे ओके बस दैट सिस्टम मारी और चलो जाओ, कितने दिन के लिए घूमने जा रहे हो, और मैंने कहा 15 तारीख को वापस आ जाऊँगा, तो कह रहे ठीक है कोई इशू नहीं है मतलब सही है, तो कह रहे सिर्फ इतने दिन के लिए, मैंने कहा जी बिकॉज फेस्टिवल सीजन है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो कह रहे ओके ओके, तो कुछ नहीं पूछा मेरे से और है ना, तो सही है बिल्कुल। बाकी ड्यूटी फ्री दारू वारू खरीद लो यार। तो आ गए हम 2 रुपए वाले लाउंज में, तो काफ़ी कुछ है यार खाने को, वैसे मैं ऑलरेडी हमेशा यूज़ करता हूँ, लेकिन अब वीडियो में अब बनाने लगा था ना, मैंने कहा चलो अब आप लोगों को बता देते हैं कि आप 2 रुपए में फ्री में फूड खा सकते हो और दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर वो भी फूड खाना पीना ड्रिंक दारू वारू जो पीते हैं बीर सब कुछ यहाँ पर फ्री होता है। तो भाई क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा, मैंने तो अच्छे 6 बजे के बाद खाना बंद कर रखा है, लेकिन मैं फूड जरूर खा लूँगा यहाँ पे। एक्चुअली मैंने 6 बजे के बाद खाना पीना बंद कर रखा है, थोड़ा सा डाइट फॉलो कर रहा हूँ, थोड़े से मोटे हो गए थे इसलिए, बट खा तो अब भी रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा प्रोटीन डाइट ही खा रहा हूँ, ऑरेंज जूस और बस ये मिक्स रायता है और वो थोड़े से चने वगैरह आ गए और ये टमाटो आ गए। बाकी भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, अच्छा ज़्यादा है। सो बोर्डिंग टाइम हो चुका था बिकॉज 10:55 की मेरी फ़्लाइट है,
तो अभी बस लॉन में से अभी भाग भाग के आया, एक्चुअली लेट हो गया था वहाँ पे बैठा रहा, तो मुझे मेरे दोस्त मिल गए थे, मानसा के रहने वाले हैं हमारे पंजाब के, वो तो मानसा का था एक धूरी संगरूर डिस्ट्रिक्ट वहाँ का रहने वाला था, तो वो मिल गए थे, बातें करते रहे, ऐसे टाइम का पता नहीं चला, तो एकदम से टाइम देखा तो भाई भाग भाग के आया हूँ अभी, मतलब लास्ट पे मैं ही था बस। वो लगी हुई हमारी फ्लाइट एयर इंडिया एकम कार, बहुत घटिया सीट दी है यार इन्होंने। फाइनली हांगकॉन्ग में लैंड कर चुके हैं, फ्लाइट मतलब अराउंड 45 मिनट्स पहले आ चुकी है यहाँ पे, तो बढ़िया है, मतलब एयर इंडिया पहले आ चुकी है, और हम मैं जा रहा हूँ अपना दूसरी फ्लाइट के लिए, और मेरे यहाँ पे 2 घंटे का ले ओवर, जाकर देखता हूँ, एक्चुअली मेरे पास बोर्डिंग पास नहीं है नेक्स्ट फ्लाइट का, तो वहाँ पर जाके देखता हूँ क्या है क्या नहीं है ना, और लगस तो मेरा ये कह रहे हैं हमें सीधे नरीता एयरपोर्ट पर ही मिलेगा जापान पहुँच कर, देखते हैं। फाइनली आगे जाने के लिए बोर्डिंग पास मिल चुका है, तो हमने चेक इन भी कर लिया है अपना, और अभी जा रहे हैं गेट नंबर की ओर, मेरा 8 नंबर गेट है, तो वहाँ पे जाके वेट करते हैं, देन फिर चलते हैं वहाँ से आगे टोक्यो। हांगकांग का एयरपोर्ट यार काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं आप लोग, तो फाइनली मेरा इमिग्रेशन हो चुका है, और इन्होंने एक क्वेश्चन तक भी नहीं पूछा मेरे से, जस्ट मैंने पासपोर्ट दिया, ट्रैवल हिस्ट्री देखा, और जापान का वीज़ा देखा, और इनका स्टिकर लगवाते हैं कि थप्पा नहीं लगाते, स्टिकर लगाया और दैट्स इट, कुछ भी नहीं पूछा, कहाँ रहोगे, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कुछ भी नहीं पूछा, तो इसलिए आप लोगों को भी यही कहता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से वीज़ा लगाएं किसी भी कंट्री का, और अपना कॉन्फिडेंस रखें अपने आप में, अगर इनके बंदा कोई पूछता भी है तो टेंशन फ्री होकर आप कुछ चीज़ का आंसर दे पाओ, और बाकी बने रहिए ट्रैवल विद तरुण के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।